आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु और यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मैं जो व्यापम में एक नई भर्ती आई है समूह एक उप समूह तीन के अंतर्गत खंड विकास विस्तार अधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017 जो है वो आई है। तो आइए हम इसकी नियम पुस्तिका और पोस्ट कोड की जानकारी देख लेते हैं, किस पद के लिए क्या योग्यता मांगी गई है, फीस कितनी है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, सब जानकारी अब ले लेते हैं देख लेते हैं। तो इसकी पोस्ट कोड और नियम पुस्तिका देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये पोस्ट कोड है मेरे पास, तो ये पोस्ट कोड दिए गए हैं 01 से लेके आगे तक। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, समूह एक उप समूह तीन के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों कार्यालयों में खंड विस्तार अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, प्रबंधक सामान्य, सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2017 हेतु पोस्ट कोड यहाँ पर दिए गए हैं। तो अभी देख लेते हैं पद नाम और आवेदित पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ क्या क्या हैं। तो खंड विस्तार अधिकारी जो है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश में खंड विस्तार अधिकारी का पद है, तो इसके लिए जो है समाज शास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि, पोस्ट कोड इसके लिए 01 यूज़ करना है। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश सहायक प्रोग्रामर की सीधी भर्ती है, इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, संक्रिय अनुसंधान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स में बी बी टेक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पोस्ट कोड इसके लिए 02 यूज़ करना है। आगे प्रबंधक के लिए न्यूनतम 60% अंकों के साथ 60% के साथ न्यूनतम MBA आपकी होनी चाहिए। आपको एक वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपके लिए ज़रूरी है और आपकी जो MBA होनी चाहिए वो मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इन तीनों में से किसी एक ब्रांच से होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं संचालनालय उद्यानिकी, यहाँ पर देखिए तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की सीधी भर्ती है। इसमें आपको जो है अर्थशास्त्र हो, सांख्यिकी हो, वाणिज्य हो, गणित हो, इनमें से किसी एक विषय के साथ न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि, पोस्ट कोड इसके लिए 04 यूज़ करना है। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश सहायक सांख्यिकी अधिकारी सीधी भर्ती बैकलॉग है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित अथवा समाजशास्त्र विषयों में से किसी एक विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि, मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन अथवा कंप्यूटर प्रचालन में स्नातक उपाधि अथवा PGDCA अथवा समकक्ष अर्थात 05 पोस्ट कोड इसके लिए यूज़ करना है। आगे बात करते हैं महिला सशक्तिकरण संचालनालय मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है कार्यक्रम प्रबंधक ICE तथा प्रचार एवं MIS संविदा भर्ती ये है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MCA हो आप, MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या MSc कंप्यूटर साइंस है आपके पास, तो आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, टाइपिंग, कंप्यूटर चलाना ये सब आना चाहिए आपको। अनिवार्य अनुभव राज्य स्तर के शासकीय कार्यालय में 2 वर्ष का अनुभव आपको होना चाहिए। पोस्ट कोड इसके लिए आप 06 यूज़ कर सकते हैं। संचालनालय महिला सशक्तिकरण मध्य प्रदेश कार्यक्रम प्रबंधक बाल संरक्षण संविदा भर्ती, यहाँ पर जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, समाज कार्य व समकक्ष विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होना चाहिए। इसके लिए पोस्ट कोड आप 07 यूज़ कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप जो है अपना और ये जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं व्यापम की साइट पर जाकर। अब देख लें इसकी स्टार्टिंग डेट, आवेदन कब भरना है और एंड डेट कितनी है। स्टार्ट हो रहे हैं 27/9/2017 से और अंतिम तिथि 16/10/2017। और फीस देख लेते हैं, अगर अनरिजर्व कैटेगरी सामान्य वर्ग के हैं तो 500 रुपये देना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, SC ST के हैं, OBC कैटेगरी के हैं तो, और निःशक्त जन हैं तो, और MP के अगर मूल निवासी हैं तो आपको 250 रुपये देना पड़ेंगे। आइए और बात कर लेते हैं आपकी परीक्षा की। तो 5 और 6 नवंबर 2017 में आपकी जो एग्ज़ाम है तो ये आपका हो गया। UIDAI द्वारा सत्यापित आधार आपका जरूरी है, आधार ले जाना जरूरी है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद भी एंट्री होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस के बिना हमारी चर्चा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित 100 नंबर के, और सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन 100 नंबर के आएंगे। 200 नंबर का टोटल प्रश्न आ रहा है। ये योग्यता के बारे में चर्चा हो गई। अच्छे से तैयारी में लग जाइए। जिन लोगों की योग्यता है वो फॉर्म भर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।